हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रोज़ी जाफरी और ये है अपराजिता का वाइन। अपराजिता की वाइन है ये और इसका नाम बटरफ्लाई पी भी है। बटरफ्लाई पी है, इसे इंग्लिश में बटरफ्लाई पी कहते हैं। और बॉटनिकल नेम इसका हो गया सिलिटोरिया ट्रिनिटी। ये वाइन है, इसे अगर अच्छे से लगाया जाए तो बड़े से कम 12-15 इंच के पॉट में लगाया जाए तो ये इसकी ऊंचाई 6-7 इंच तक से 6-7 फीट ऊंची जा सकती है। इसे रेलिंग या किसी दीवार पे किसी चीज़ के सहारे अगर इसे लगाया जाए तो, और अगर इसकी ट्रिमिंग कर दी जाए तो ये बुशी प्लांट हो जाएगा। मैं तो इसे कभी कभी बिल्कुल यहाँ से काट देती हूँ नीचे से और फिर इसमें बेल निकल आती है। और ऐसा तो नहीं तो ऊपर से भी इसकी कटिंग की जा सकती है, जैसे थोड़ी थोड़ी सी तो भी ये ठीक रहता है। और इसके फ्लावर बहुत ही खूबसूरत होते हैं और दो कलर में आते हैं, एक ब्लू और एक वाइट कलर में भी इसके फ्लावर आते हैं। दोनों ही बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। आज ये दो रोज़ पहले इसमें फ्लावर था लेकिन अभी नहीं है। और ये आयुर्वेद हर्बल प्लांट है, इससे कि इसके फूल की हर्बल टी भी बनती है और इसे और भी कई दवाओं में काम आता है। कितनी भी ये इसकी रूट हो गई, ये आयुर्वेदिक में इसकी बहुत सारी दवाइयों के काम आती है। ये इससे बहुत सारी तकलीफें दूर होती हैं। इसे हम सीड के ज़रिए ग्रो करते हैं और कटिंग से भी कर सकते हैं। थोड़ी स्टेम इसकी इस तरह की होनी चाहिए, थोड़ी हार्ड होनी चाहिए तो इससे लग सकता है, लेकिन थोड़ा टफ है। इससे लगेगी लेकिन थोड़ा टफ है, ईज़ली ग्रो होगा सीड के ज़रिए तो वही ज़्यादा अच्छा होता है। सीड के ज़रिए बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है। मेरी तो एक देखिए यहाँ पे सीड के ज़रिए ही निकला हुआ ये पौधा छोटा सा, जैसे फ्लावर होकर जो इसकी सीड गिरती है नीचे तो इस यहाँ देखिए ग्रो हो गई है खुद ब खुद। और एक तो मैंने खुद से इसमें ग्रो किया है, सीड के ज़रिए ग्रो हुआ है। तो मैंने एक सीड लगाया था जो ये हो गया है ग्रो। और इसे नॉर्मल मिट्टी में लगाएंगे, बस ड्रेनेज का ख्याल रखें, जैसे सैंड मिलाएंगे हम इसमें। और इसके ग्रोथ के लिए हम इसमें थोड़ा कंपोस्ट डालें तो ठीक है। ये बहुत आसानी से चलता है, बहुत इसमें लो मेंटेनेंस पौधा है ये। इसमें ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना है, बस उसकी मिट्टी का ख्याल रखना है कि ड्रेनेज अच्छी हो। हमें सॉइल में इसमें रिवर सैंड मिलाना है और ये पानी का हमें ख्याल रखना है इसका, इसलिए कि इसे मॉइस्चर सॉइल पसंद है। इसकी मिट्टी नम होनी चाहिए, मिट्टी हमेशा गीली होनी चाहिए। और ये धूप में रखें इसे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ये धूप में खूब अच्छा खिलता है, इसे हमेशा धूप ही में लगाएं। और हम जैसे इसको दोबारा, जैसे ये पौधा है छोटा सा, इसे हम जब रिपोर्ट करें गमले में करेंगे तो ये कम से कम इसे अच्छे से अगर हम कंपोस्ट डालकर इसे लगाएं गमले में तो कम से कम इसे हेल्दी प्लांट तैयार होने में 1 मंथ तो लग ही जाते हैं। तो इसे लगाने में बस इतना ध्यान रखें, इसको मिट्टी सही रहे और कंपोस्ट डालें इसमें, और ये फिर बहुत आसानी से चलने वाला है, काफ़ी दिनों तक चलता है। ये मेरा पौधा बहुत ही पुराना है, बस मैं इसको यहाँ से कट कर देती हूँ, कभी ऊपर से कटिंग कर देती हूँ और ये बुशी प्लांट बना रहता है अभी।